अजब गजब घर जमाई। हाँ तो हमने आप तीनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि पीके जमाई से प्रभावित होकर हमने ये फैसला लिया है कि क्यों ना हम अपनी मिठाइयों के स्वाद में प्रयोग करें। और ये रहे, हमने आप तीनों को इसलिए यहाँ बुलाया है ये बताने के लिए कि ये जो रसगुल्ले हैं, ये मिष्ठान भंडार की अमानत है। कल ये वहाँ जाएंगे और पूजा होने के बाद ही किसी को चखने के लिए मिलेंगे। क्या किस्मत पाई है पप्पू तोते, जन्मदिन की रात भी रसगुल्ले। वाह, हैप्पी बर्थडे। चलो हो जा शुरू। कम वक्त एक और चोर। अरे साड़ू भाई, तुम भाव खा रहे हो है? बचा लो ना हम दोनों को। नाना जी और साडू भाई, आप दोनों की लंका दहन होने से अब सिर्फ एक ही आदमी है जो बचा सकता है और वो है पप्पू चोर। पप्पू चोर कल रात को इस घर में आया था। भाई किसी को आपकी बातों पर यकीन हो या ना हो, मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी सेटिंग से सब पता कर लिया है। तुम्हें मालूम था तो तुम्हें अपनी नानी को बताना चाहिए था। ओहो नाना जी, क्या है ना, पप्पू चोर के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम है। 50,000? अब बोलो, अब हम उस चोर को पकड़वाएंगे और उसके बाद 50,000 मुझे मिल जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है हम में बढ़ जाएंगे। अरे क्या हवाई किले बना रहे चिंटू बेटा, अब कहाँ से पकड़ेंगे, वो तो भाग गया। वापस आएगा तो पकड़ लेना। कैसी बात कर रहे हो साड़ू भाई, एक बार भाग जाने के बाद वो भला वापस क्यों आएगा? आएगा आएगा, पूछो कैसे? कैसे कैसे? ऐसे। ये कार्ड पप्पू चोर को उसकी पत्नी ने दिया था उसके जन्मदिन पर, यानी कि कल। और ये ना मुझे रसोई से मिला है। नाना जी मुझे पूरा भरोसा है वो चोर इस घर में वापस जरूर आएगा, क्योंकि कार्ड के बिना घर में नो एंट्री। समझ गया ना, जब वो आएगा तो उसको बेहोशी वाली चाय पिला। समझ गया मालिक। मेरा नाम हेड कांस्टेबल प्रीतम कुमार है। आप लोगों से पप्पू तोता चोर के बारे में इंक्वायरी करनी है। बड़े लाल, अरे अरे चाय आ रही है आपका। आ गया आ गया। इतना टाइम लगाते, लीजिए चाय, लीजिए चाय, लीजिए लीजिए लीजिए। ये 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 देखिए, ये देखिए। मैंने ही आपको फोन किया था। ये रही आपकी अमानत, अब आप इसे ले जाइए और हमारा इनाम हमें दे दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब, यही है वो पप्पू तोता चोर जिसकी आपको तलाश थी। हमने पकड़ा, हमने अपनी जान पर खेलकर। इस पर तो शायद कुछ 50,000 रुपए का इनाम भी था ना। सर ये डिलीवरी ले लीजिए और पेमेंट दे दीजिए। हाँ हाँ, मिल जाएगा मिल जाएगा, इनाम भी मिल जाएगा। पहले जरा वो ग्रीटिंग कार्ड तो देख ले। कहाँ से ग्रीटिंग कार्ड देंगे? ये वो कार्ड। हाँ, यही कार्ड है। धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा करता हूँ कि मैं बाहर कुछ पुलिस वाले हैं, मैं उन्हें अंदर भेज देता हूँ, वो इस चोर को बाहर ले जाएंगे। ठीक है जी। मैंने आपके मिष्ठान भंडार के रसगुल्लों के बारे में बहुत कुछ सुना है, पेश करा दे तो। क्यों नहीं वही कराएंगे कराएंगे। अब बैठे बैठे बड़े यहाँ खड़े, अरे जल्दी लेके आओ। हाँ अभी ला। क्या बात कर रहा है, बड़ी मुश्किल से पकड़ा साहब इसको। वाह वाह वाह, बैठे बैठे जी। मैं लीजिए लीजिए। हाँ जी, ये तो वो रसगुल्ले नहीं है जी, मैंने मांगे हैं। ये तो वही है, हम लोग तो 10 साल से यही बेच रहे हैं दुकान के ऊपर। अरे नहीं है नहीं है, ये वो रसगुल्ले जो हमने खाए थे। अरे कहाँ खाए थे? यहाँ खाए थे। अरे यहाँ कहाँ खाए थे? अरे यही वहाँ रसोई घर में कल रात को। और तुम लोगों को भी तो खिलाए थे, भूल गए तुम लोग? हम लोग को तो इसने खिलाए थे, ये पप्पू चोर ने।
अरे पप्पू चोर हम हैं। हाँ जल्दी से लाओ कल वाले रसगुल्ले, वरना तुम सबको चुन चुन के भून दूंगा मैं, सबको गोली मार देंगे। पकड़ो पकड़ो। हाँ और इंस्पेक्टर साहब, प्रिया चिंटू जी आपकी वजह से नामी चोर पकड़ा गया, इस पर जो इनाम था आपको ही मिलेगा। अब आप इसे ले जाओ जेल में, हैं? पूरे स्वाद चखाना इसे जेल के। चलिए गुप्ता जी। जी मुझे कल रात वाले रसगुल्ले खाने थे। राधे राधे। भूल चुके भूल जी। चलो इससे ये बात तो पता चली कि हमारे इन रसगुल्लों का स्वाद एकदम लाजवाब। नानी जी की जय हो। अजब गजब घर जमाई। अजब गजब घर जमाई।